DGISI की बात कर लेते हैं। वो गए हुए थे काबुल, और काबुल में वो उनकी जो एक तस्वीर है वो सामने जब वायरल हुई, बल्कि वीडियो, तो उसके बाद से जो है वो तस्वीर भी और वीडियो भी फिर एक चल सो चल मामला हुआ, पूरी दुनिया में जो है वो उसके ऊपर बात हुई। देखिए, हम तो पहले कह रहे थे इनके तो DGISI वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आज जब एक जो 24 चैनल की जो खातून थी, उन्होंने सहाफ़ी, उन्होंने एक उनकी वीडियो भी बना ली, उनसे सवाल जब पूछे तो साथ ही उन्होंने इसको रिकॉर्ड कर लिया कि भाई आप यहाँ पर क्या तालिबान से मिलेंगे, उन्होंने कहा आई एम नॉट क्लियर। फिर उन्होंने हुआ ये कि जब वो वीडियो और तस्वीरें उतर गई तो हुकाम की तरफ से, यानी फ़ौजी हुकाम जो वहाँ पर अथॉरिटीज़ मौजूद थी, उनकी तरफ से जर्नलिस्टों को ये कहा गया टेक्स्ट रिपोर्ट कर दें, खबर को टेक्स्ट की सूरत में लोगों को भेज दें कि भाई लेकिन इसकी फुटेज और इसकी जो तस्वीर है वो जारी ना करें, पिक्चर्स और वीडियो ना चलाएं। लेकिन जब उन्होंने ये कहा, लेकिन इसके बावजूद उसी दौरान जो वो फीमेल रिपोर्टर थी, उन्होंने उसको मीडिया पर वायरल कर दिया, यानी उन्होंने पोस्ट कर दिया, उनके मीडिया ने उसको चला दिया, और उसके बाद पूरी दुनिया ने उसको वहाँ से उठा लिया। ये तो थी कहानी। लेकिन जो तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का इस हवाले से बयान आया, वो मैं आपके सामने रख देती हूँ कि उन्होंने इसके हवाले से क्या कहा है, कि कितना पहले से ये वाला टाइम लिया हुआ था उन्होंने मिलने के लिए। उन्होंने अपने एक वीडियो बयान में कहा है कि एक पाकिस्तानी डेलीगेशन और इंटेलिजेंस चीफ अभी आए थे, एक महीने पहले उन्होंने मुलाकात का कहा था, टाइम मांगा था, लेकिन क्योंकि उस वक्त हमारी लीडरशिप बहुत बिजी थी इसलिए अब वो मुलाकात हुई है। उन्हें ड्यूरल लाइन पर सिक्योरिटी पर तशवीश थी क्योंकि अफगानिस्तान की तमाम जेलों के कैदी बाहर हैं। दोस्तों जय हिंद। वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। जिस मकसद से इस वीडियो को देख रहे होंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा आज कि तालिबान और पाकिस्तान के रिश्तों का द एंड कहाँ होने वाला है। दाखिला है शेख रशीद साहब, उन्होंने ये कहा कि जो गवादर और क्वेटा में बम धमाके हुए, उसके खुदकुश उसके बम धमाके करने वाले जो हैं वो अफगानिस्तान से आए। अब बहुत ही आसान था ये तो कह देना, ज़ाहिर फौरी इस वक्त जो सिचुएशन है, मुझे हैरत हो रही थी ये नहीं कहा कि इंडिया से आए थे। उन्होंने यही नहीं कहा था सिर्फ, बल्कि उन्होंने एक और बात भी की, और उन्होंने ये कही कि इस वक्त इंडिया को मुँह की खानी पड़ी है कि पाकिस्तान जो है तालिबान के साथ शामिल है, ये कर रहा है वो कर रहा है। अच्छा, तो वैसे बम धमाके इधर हो रहे हैं, मैं ये सोच रही थी कि बम धमाके इधर हो रहे हैं, धमाकों के नतीजे में लोग यहाँ पर जहाँ भाग हो रहे हैं, और मुँह की किसको खानी पड़ी, इंडिया को। तो भाई मुँह की खाना बेहतर नहीं है, ये बम धमाके करा के अपने लोगों को मरवाने से बेहतर नहीं है मुँह की खा लें। ये भी ज़रा सोचने की बात है कि ये बम धमाके क्या जारी रहेंगे अब या बंद हो जाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान की तरफ से जो ज़राए बता रहे हैं कि एक लेटर जारी हुआ है, एक ख़त जारी हुआ है पाकिस्तान के सहाफ़ियों के नाम, और वो ख़त में क्या लिखा है, उन्होंने पाकिस्तान के सहाफ़ियों को वार्न किया है, उन्होंने पाकिस्तान के सहाफ़ियों को धमकी दी है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा जहाँ तक मैं पढ़ पाई हूँ, क्योंकि क्या उसका टेक्स्ट है, क्या लिखा हुआ है कि सहाफ़ियों के लिए तहरीके तालिबान पाकिस्तान का अलामिया, तमाम मकामी और आलमी सतह पर काम करने वाले सहाफ़ियों और मीडिया डिपार्टमेंट के ज़िम्मेदारान की खदमत में अर्ज़ है कि वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों की जंग में जानिबदारी से गुरेज करें। हम देख रहे हैं कि आप हमें दहशतगर्द और इंतहा पसंद जैसे मकरूह अलकाबात से निजात करते हैं, जो आपको इस जंग में जानिबदार साबित करने की वाज़ह दलील है। ये आपके पेशा सहाफ़त पर भी एक दाग, क्यों आप दो फरीकों के दरमियान जंग की एक खबर को इस तरह शाया करते हैं जिसमें एक के लिए वो नाम जो उसने खुद के लिए चुना है और दूसरे के लिए एक ऐसा नाम जो उसके फरीक मुखालिफ ने चुना है इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा आज के बाद हमें तहरीके तालिबान पाकिस्तान के नाम से ही याद किया जाए, बसूरत दीगर आप अपनी सहाफ़त के साथ भी खयानत के मुर्तकिब होंगे और अपने लिए दुश्मन बनाने में भी मददगार साबित होंगे। अब ये लेटर अगर ये नया है और कहा जा रहा है कि ये मीडिया हाउसेस तक पहुंचा है, सहाफ़ियों को भेजा गया है, तो ये बड़े ये अलार्मिंग सिचुएशन है। DGISI उनसे वहाँ पर कोई मिलने को तैयार नहीं करने वहाँ पर क्या गए हैं, जो जनरल फैज़ हैं उनको कम अज़ कम ये जो गठजोड़ है तालिबान क्वेटा शूरा, यानी कि जो मुल्ला उमर के जो पैरोकार हैं, मुल्ला ब्रादर हों, मुल्ला हसन हों, मुल्ला हबतुल्ला हों, उनसे इनका TTP का जो गठजोड़ है ये इस पर बात उनको करना होगी। ये जो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनेगा, इसका सदेबाब उनको वहाँ से करके आना है, वरना उनका दौरा अगर वो सिर्फ तालिबान की हद तक हो कि जी कि उनकी हमने सुलह करा दी है और हुकूमत बन गई है, मेरा नहीं ख्याल कि वो फिर कोई कामयाब दौरा कहलाएगा। लेकिन एक जो चैलेंज पाकिस्तान को और जनरल फैज साहब को दरपेश है वो चैलेंज है ये वाला ख़त। ये खत जो है ये पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर इस वक्त गर्दिश कर रहा है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अच्छी बात बोली आपको, अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।